हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल CSCR जॉब्स ऑनलाइन में। दोस्तों, आप वीडियो पे जो है स्क्रीन पे आप देख गए होंगे किस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज आप बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय CUET का UG का एडमिशन फॉर्म आपको भर के दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, बिना गलती के आप जो है फॉर्म भर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, जब भी आपको पता चल पाएगा कैसे आपको जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय CUET का जो है फॉर्म आप भर पाएंगे स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल पे आना है, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मोटिव बढ़ता है। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना और अपने भाई को सपोर्ट कर देना अपनी तरफ से जितना हो सके दोस्तों, क्योंकि आपके लिए एजुकेशन से रिगार्डिंग सारी वीडियो लाता रहता हूँ। अगर कुछ पूछना है इस वीडियो के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम का लिंक जो है नीचे मिल जाएगा वीडियो के नीचे। ठीक है दोस्तों, फिर आपको चलते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे आप जो है अपना इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो है फॉर्म भर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पाना है। इसका लिंक वीडियो के नीचे डाल दूंगा, डायरेक्ट आ जाएगा। अभी यहाँ पे लिख रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी UG कोर्स एडमिशन ट्रांस CUET 2023 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपको नीचे आना है, नीचे आने बाद यहाँ पे देख सकते हैं जनरल OBC EWS के 300 रुपये फीस है, SC ST की 150 रुपये फीस है। 12 तारीख से है ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट इसकी 28 जुलाई रखी गई है। ठीक है दोस्तों, नीचे आना है, नीचे आने बाद आपको क्या करना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिख रहा है, क्लिक एयर लिखा, क्लिक एयर पर क्लिक करना है। क्लिक एयर पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का जो है एक पेज ओपन हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक लॉगिन एक रजिस्ट्रेशन। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। अगर आप फर्स्ट बार रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। अब आपको ये जो है डिटेल आपको भरनी है बारी बारी से। तो पहले क्या करना है, आपको CUET एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना है। दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखना है, यहाँ पे जो ओपन नोट लिख रहा है, नोट डिटेल यहाँ पे जो है, यहाँ पे कह रहा है जो आपका 10वीं की मार्कशीट में है ना, सर्टिफिकेट में, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर डिटेल डालनी है। कोई भी अलग डिटेल नहीं डालनी है, जो आपकी 10th की मार्कशीट में है वही यहाँ पे जो है डिटेल डालनी है। दूसरी बात, CUET 2023 एप्लीकेशन जो नंबर है उसको भी आप जो है यहाँ पे CUET की भी डिटेल आप अच्छे से देंगे, गलत मत देना, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पे पहले क्या करना है, अपना CUET का एप्लीकेशन नंबर डालना है, उसके बाद रोल नंबर डालना है, उसके बाद क्या करना है दोस्तों, एप्लीकेशन का फुल नेम डालना है। जैसे आप, मैं अपना नाम डाल देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है अपनी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको जेंडर चुनना है, जो भी आपका जेंडर है, मेल है फीमेल है। उसके बाद ईमेल आईडी देनी है आपको, एक ईमेल आईडी आप टाइप करेंगे। उसके बाद पिताजी का नाम डालना है, जो भी आपके पिताजी का नाम है। उसके बाद मदर का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है गार्जियन नेम देना है। उसके बाद आपको गार्जियन का मोबाइल नंबर देना है, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद उसके मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर वही दे देना आप जो अपना है, बाकी आप अलग भी दे सकते हैं अगर आपके पिताजी का अलग नंबर है आपके पास। उसके बाद आपको यहाँ पे धर्म चुनना है, हिंदू या मुस्लिम है वो सिलेक्ट करेगा। उसके बाद अप्लाइड कौन से आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो दोस्तों जिसके भी आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर को यहाँ पर आप जो है यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको 10th स्कूल आपने कौन से सन में किया है वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको इंटर कब किया है वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है 10+2 अगेंस्ट डिटेल बोर्ड नेम, आपको बोर्ड का नाम डालना है, जो से भी आपका बोर्ड का नाम है। उसके बाद आपको रोल नंबर डालना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे इंटर का बोर्ड का नाम डालना है, नहीं सॉरी, यहाँ पे कह रहा है नंबर ऑफ सब्जेक्ट द बोर्ड, यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं जो है ड्राइंग से मैंने जो है इंटर की है। दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है सब्जेक्ट के नाम डालने हैं, आपके 5 थे या 6 थे वो यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी आपको इंडियन है या अदर है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको मातृ लैंग्वेज जो है आपकी वो डालनी है, जैसे कि मैं डाल देता हूँ हिंदी। उसके बाद आधार कार्ड नंबर डालना है आपको, आधार कार्ड नंबर जो भी आपका।
ठीक है दोस्तों। उसके बाद कास्ट चुननी है अपनी, जो सी भी आपकी कास्ट है, जनरल है, ओबीसी है, बैकग्राउंड है, जो उनसे भी आप वो सेलेक्ट करें। उसके बाद सब कास्ट क्या है आपकी वो डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिजिकल यहाँ पे आपको नो करना है, यहाँ पे भी आपको नो करना है। उसके बाद आपको कश्मीरी कैंडिडेट यहाँ पे नो करना है, स्पोर्ट कोटा से आते हो तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद यहाँ पे भी नो है, यहाँ पे आपको नो करना है। उसके बाद यहाँ पे मुस्लिम है, अगर आप मुस्लिम हैं तो यहाँ पे देख लेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे नन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस है। उसके बाद अगर आपका दोनों परमानेंट एड्रेस दोनों एक है तो आपको यहाँ पे टिक करना है, अगर आपका अलग अलग एड्रेस तो आप अलग अलग दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टिक करना है, और एक बार आपको ऊपर से लेकर नीचे तक एक बार प्री चेक चेक कर लेना है आपका फॉर्म सब कुछ ठीक है या नहीं है। जब लगे आपको सब कुछ ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आपको जो मैंने यहाँ पे 5 सब्जेक्ट बताया था, यहाँ पे जो है 5 सब्जेक्ट आपको लिखने हैं। यहाँ पे जैसे आप इंटर के 5 सब्जेक्ट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको उसमें सब्जेक्ट के नाम दे देने हैं, जो उनसे भी आपके 5 सब्जेक्ट है, 5 के आप नाम से दे देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 5 सब्जेक्ट के नाम दे दिए हैं, जो भी आपके 5 सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग आप नाम दे देना अपने। उसके नाम देने बाद आपके टोटल नंबर कितने थे यहाँ पे वो आप डाल देंगे, जैसे 100 में से मिलते हैं तो सब में 100 डाल देंगे आप। उसके बाद आपको कितने में से आए आपके, जैसे हिंदी में कितने आए थे नंबर, इंग्लिश में कितने आए थे, मैथ में कितने आए थे, फिजिक्स में कितने आए थे, बायोलॉजी में कितने आए थे, वो सारा कुछ आप यहाँ पे टाइप करेंगे, कितने कितने कौन से में आए थे। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है दोस्तों। अब दोस्तों आपके पास जो है इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगले पेज पे जैसे आप आ जाएंगे, यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है, साइन अपलोड करना है, और 12वीं की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। जो आपको फ़ोटो का साइज होना चाहिए वो 250 KB से कम होना चाहिए, साइन का साइज भी 250 KB से कम होना चाहिए, और जो आपका 12वीं की मार्कशीट है वो JPG एंड PNG में आप डाउनलोड करेंगे, वो भी 1 MB से कम है। तो आपको मैं दो तीनों चीज़ें अपलोड करके दिखा देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने तीनों चीज़ जो है अपलोड कर दिया, फ़ोटो, साइन और मार्कशीट। अब आपको जो है नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है आपका फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। एक बार क्या करेंगे आप फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेंगे अपना फॉर्म, जब आप कुछ चेक अच्छे से चेक कर लेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो है पढ़ लेना है आप। अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो आप यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अगर आपको लगता है कोई मिस्टेक या गलती हो चुकी है मेरे फॉर्म में या नाम में या क्वालिफिकेशन में या नंबर में जो भी है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, यहाँ पर मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे। मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे, मॉडिफाई में जो भी आपकी कोई मतलब कि दिक्कत होगी वहाँ जाके आप ठीक कर पाएंगे, कहने का मतलब एडिट कर पाएंगे। और पेमेंट करने से पहले पहले आप फॉर्म, दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखा करो, जब भी आप अपना फॉर्म भरो, ये वाला हो या दूसरा हो या कोई सा भी फॉर्म भर रहे हो, तो गलती मत किया करो, क्योंकि एडिट करने में कोई कोई से फॉर्म में जो है आपको एडिट की डेट मिलती है, मतलब टाइम मिलता है, बट क्या होता है कोई कोई फॉर्म में जो है एडिट की डेट नहीं मिलती, तो आप क्या करते हो उसमें गलती कर देते हो, फिर आप मेरे से पूछते हो कि सर आप क्या करें ये चीज़ हो चुका है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, जब भी आप फॉर्म भरो 5 मिनट लो, 10 मिनट लो, 20 मिनट लो, आधा घंटा लो, 1 घंटा लो, पर फॉर्म अच्छे से भरो बिना गलती के। फॉर्म ऐसा मत भरो कि आपको गलती होवे और बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़े, ठीक है दोस्तों। तो ये भी फॉर्म आप अच्छे से चेक कर लेंगे, आराम से भरें, कोई जल्दबाजी बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आप अपना फॉर्म भर रहे हैं ना कि किसी और का, जब आप अपना ही फॉर्म आराम से नहीं भर पा रहे तो दूसरे का फॉर्म क्या भर पाओगे। तो अपना फॉर्म जो है अच्छे से भरो, 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, ठीक है दोस्तों। जल्दबाजी मत करो किसी भी फॉर्म में। तो मैंने समझा दिया, आपकी समझ में आ गया होगा क्या कहने वाला हूँ मैं, जो बच्चे समझदार है वो समझ गया होगा क्या कहने वाला हूँ। अब दोस्तों अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करें, अगर आपको लगता है कोई मिस्टेक हो चुकी है तो आप मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे। तो मेरा सब कुछ ठीक है, मैं प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करूँगा दोस्तों। प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है आपकी अमाउंट दिखा दी गई है। अब आप देख सकते हैं आपकी अमाउंट जो है 150 रुपये आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, पे ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। पहला ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे आपको ये पेमेंट के ऑप्शन पे ले जाएगा। अभी आप देख सकते हैं पेमेंट के ऑप्शन पे आ चुके हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, जिससे चाहे आप उससे जो है अपनी पेमेंट कर पाएंगे। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड नंबर डालना है, एक्सपायरी डेट, CVV नंबर डालना है, मैक पेमेंट पर क्लिक करना है।
उसके बाद अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो मैक कार्ड नंबर डालना है, उसके बाद एक्सपायरी डेट डालनी है, उसके बाद सीवीवी नंबर डालना है, मैक पेमेंट पे करना है। मैक पेमेंट पे करने बाद आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी आप डाल देंगे, पेमेंट आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको इससे भी आसान तरीका चाहिए तो आपको सिंपल सा है, यूपीआई पे क्लिक करना है। यूपीआई पे आप भीम से कर सकते हैं, फ़ोनपे और आपका गूगल पे, पेटीएम, व्हाट्सअप, अदर यूपीआई जिससे भी चाहे उससे आप कर सकते हैं। जैसे मैं अदर यूपीआई से करता हूँ तो मैं अदर यूपीआई पे क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पर आपको यूपीआई आईडी डालनी है। यूपीआई आईडी डालने के बाद आपको जो है आपकी आईडी पे जैसे फ़ोनपे गूगल पे पर जाएगा एक लिंक, उस पर आपको क्लिक करना है, आप पेमेंट कर देना, आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। नहीं तो देख सकते हैं फ़ोनपे पर आपको क्लिक करना है, फ़ोनपे पर क्लिक करेगा आपको अपना नंबर डालना है यहाँ पर। जैसे मैं आपको नंबर डाल के दिखा देता हूँ, ये नंबर डाल दिया, उसके बाद मार्क पेमेंट पर क्लिक कर दिया मैंने। अब ये दोस्त देख सकते हैं ये मेरी मिनट चल चुकी है और जो है मेरे जो है फ़ोन में जो है वो आ चुका है, क्या बोलते हैं उसे, जो पेमेंट का ऑप्शन होता है ना फ़ोनपे में जाके, वो मेरे पे फ़ोनपे में आ चुका है। तो मैं अब जो है उसकी पेमेंट जो है अगर मुझे करनी होगी तो मैं उस पर क्लिक करके अपने पासवर्ड वगैरह डाल के पेमेंट कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो है आप अपना फॉर्म भर पाएंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय CUET का UG का एडमिशन का फॉर्म। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लिए एजुकेशन से रिगार्डिंग सारी वीडियो लाता रहता हूँ। अगर कुछ पूछना हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकी टेलीग्राम का लिंक नीचे मिलेगा। दोस्तों जितना हो सके अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर जरूर कर देना और अपने भाई को सपोर्ट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।